नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी मैं सिंगापुर में हूँ और हमारे साथ में है रविंद्र भाई, जो बहुत पहले सिंगापुर आए थे हमारे ऑफिस के माध्यम से, और वो अभी यहाँ पर हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं। उनका पर्सनल अनुभव कैसा रहा है यहाँ के बारे में, यहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में, करियर ग्रोथ के बारे में, और इतने पीरियड में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, अनुभव की हैं, तो ये सब चीज़ें जानते हैं उनसे, उनकी मुँह जबानी। आइए। हेलो रविंद्र भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ, कैसा लग रहा है आपको सिंगापुर में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको काफ़ी लंबा समय हो गया ना? तीन साल हो गया सर ऑलमोस्ट। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं सर, हेल्प करते हैं। अगर किसी से कुछ पूछते हैं तो? हाँ, बता देते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं। भाषा का कुछ इशू है? नहीं सर, भाषा का नहीं, इंग्लिश थोड़ा आता है तो चल जाता है। हाँ, अगर इंग्लिश नहीं आती तो काम चल सकता ना? चल। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और जैसे खास तौर से लोग होता है कि वेजिटेरियन, आप भी वेजिटेरियन ही हो? हाँ, वेजिटेरियन। तो कोई इशू होता है? प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मिल जाता है ना? स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ, मुझे पता नहीं था। हाँ, लेकिन आप मिलता है कुछ प्रॉब्लम। ओके, और जैसे जो लोग होते हैं पहली बार विदेश जाएंगे और कुछ मतलब रहता मन में कि वहाँ सर्वाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर इंडिया के हर स्टेट के लोग रह सकते कि नहीं रह सकते? रह सकते ना। खाने पीने, जलवायु, टेम्परेचर कैसे रहता है? टेम्परेचर अच्छा है सर, इधर पानी ज़्यादा गिरता है लेकिन। हाँ, अच्छा है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी ऐसा नहीं कि कोई? नॉर्मल है सर, नॉर्मल। वेदर सबको सूट कर सकता है ना? ग्रेट, आपको तो सूट करेगी ना? ग्रेट। और जैसे काम कैसे रहता है? काम बहुत टफ होता है या मतलब काम के अगेंस्ट में इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है? काम तो करना ही पड़ता है, काम बिना काम के तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनकम होती है ना? इनकम होती है। आप अपने एम्प्लॉयर से सेटिस्फाइड हो? यस। आपका जो होता है ना, जब जॉब करते हैं तो हमें इनकम मिलती है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, तो आप सेटिस्फाइड हो ना? आपका जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से कैसे रहा? जो कमेंट में किया था वही सब हुआ है। और अभी इस पीरियड में ग्रोथ भी हुआ आपका? हाँ, ग्रोथ हुआ है। बहुत अच्छी बात है। आपने क्या क्या देखा सिंगापुर में? सब देखा सिंगापुर में, तीन साल से देख रहा। ओके, MRT सब कुछ पूरा, एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ कम्प्लीट ना? वेरी नाइस। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सर के पास आइए और जॉब मिला हो सिंगापुर के लिए, बहुत अच्छा है, ग्रो कर सकते हैं। जी जी, सिंगापुर में अभी रिक्वायरमेंट का क्या चल रहा है? बढ़ने वाला है, कम होने वाला है? बढ़ने वाला है सर, आगे बढ़ने वाला है। क्यों? जॉब बहुत है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हाँ, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। अभी देखो, एक चीज़ जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अभी जैसे हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, आप ये गाड़ी के सामने वाली बिल्डिंग देखेंगे ना, ये जब मैं पहले आया था तब ये बिल्डिंग नहीं थी, मतलब कि अभी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो नया कंस्ट्रक्शन है, रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। रिक्वायरमेंट हर टाइप की होती है, SSC हो, NTS हो, सब टाइप की, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे दर्शकों के बारे में अपने राय रखी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आप लोग हैप्पी रहें, क्योंकि हमारी कंपनी का स्लोगन है योर नीड्स अवर एम्बिशन। अगर आपकी नीड्स पूरी हो रही तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सो दोस्तों, आपने सुना रविंद्र भाई का खुद का पर्सनल अनुभव। बहुत ही अच्छी बात है कि हम जब काम करते हैं और जब विदेश आते हैं तो फैमिली के लिए आते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, और फैमिली को सपोर्ट मिलता है तो दिल को सुकून मिलता है, और वही चीज़ हम अभी रविंद्र भाई के फेस पर देख सकते हैं। बहुत हैप्पी हैं और एक्चुअली मेहनती भी हैं। तभी मेन चीज़ होती है, जो मेहनत करने वाला इंसान होगा ना, वो तरक्की पक्का करेगा। शॉर्टकट किसी का नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती ना, बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है टाइम को प्रॉपर तरीके से। तो जो लोग मेहनती हैं और सिंगापुर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंगापुर आ सकते हैं। और काम के ऊपर बताऊं तो काम अभी बहुत बढ़ने वाला है। आपको हमारे पास अभी जो रिक्वायरमेंट्स आई ना, आपको एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट वीडियो के माध्यम से आएंगी, और लाइव सेशन को आप ज्वाइन जरूर करें। लाइव सेशन हर सैटरडे को होता है, ये वाले सैटरडे का अभी मिस वेंसडे को हम लोग टॉपिक अनाउंस कर देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी इस टाइम पर हम लोग यहाँ पर हैं और ये लोकेशन मुस्तफ़ा के पास में ही है, तो जो लोग भी मुस्तफ़ा के बारे में जानते हैं वो लोग यहाँ पर विजिट करते होंगे, अभी आएंगे तो विजिट करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।